Hi friends, welcome to my YouTube channel Help 9. I am Dr. Shalini Jalutria. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले डिस्चार्ज के बारे में, जिसे हम ल्यूकोरिया भी कहते हैं या फिर कई बार सफ़ेद पानी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम ऐसे ही सारे कॉमन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि प्रेगनेंसी में ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है, ये आखिरकार क्यों होता है, वो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसमें हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है, या फिर जब ये प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, इससे जो वेटनेस होती है या फिर जो गीलापन होता है उसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं क्यों। तो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन, जैसे कि आपने पहले वीडियोस में भी देखा होगा कि गर्भवती महिलाओं के शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तो ये इसका हार्मोन का इफ़ेक्ट हर जगह पे बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये जो योनि यानी कि वजाइना और सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुँह पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिससे कि वहाँ से डिस्चार्ज यानी कि रिसाव ज़्यादा होता है। दूसरी बात, ब्लड सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इन सब एरियाज़ की, यानी कि सर्विक्स और वजाइना की, जिसके कारण भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और गर्भवती महिला को हमेशा वेटनेस या गीलापन रहता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इन गर्भवती महिलाओं को दिन में 2 बार या 3 बार पैंटी भी चेंज करनी पड़ सकती है। तो अब सवाल ये है गर्भवती महिलाओं के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि ये हानिकारक है या नहीं। तो इसका जवाब है कि ये जो डिस्चार्ज होता है, जो कि वाइट और पतला है, ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, क्योंकि ये नेचर का एक तरीका है कि ये वजाइना और सर्विक्स के आसपास एक कोटिंग बनाता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, यानी कि जो भी बाहर से बैक्टीरिया या जो भी कीटाणु है वो बच्चेदानी के मुंह से होकर गर्भाशय के अंदर जो शिशु है उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो एक तरह से वाइट डिस्चार्ज होना ये एक अच्छी बात ही है, बट हाँ, इस ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हमें ये पता चल जाए कि नहीं, अब ये वाइट डिस्चार्ज जो है बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है या फिर गर्भवती महिला के लिए, तो वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं उन चेंजेस के बारे में। पहला होता है कलर, जो कि अगर वाइट से चेंज होकर यदि लाल, हरा या फिर फटे हुए दूध यानी कि ऑफ वाइट हो गया हो, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत है। तो पहला तो ये, अगर ये लाल कलर का हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आप प्लेसेंटा प्रीविया की समस्या से जूझ रही हो, यानी कि बच्चेदानी के मुँह पर अगर अवल लाल होती है तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, और वो अवल लाल अपनी जगह से हटना शुरू हो गई है। दूसरा ये कि हो सकता है कि अबॉर्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका हो, इसलिए डिस्चार्ज लाल कलर का हो गया हो। बाद में जैसे कि मैंने कि बताया कि हरा कलर, ग्रीन कलर, वो ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और ये एक बहुत ही कई बार बड़ा कारण बन जाता है प्रीटर्म लेबर की समस्या के लिए, यानी कि समय से पहले जो दर्द शुरू हो जाते हैं, तो उसका भी आपको काफ़ी ख्याल रखना है। तीसरा है, अगर इस डिस्चार्ज का कलर ऑफ वाइट यानी फटे हुए दूध की तरह अगर हो जाता है, तो फंगल इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसको आपको डॉक्टर से मिलकर उनकी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करवाना ही चाहिए। और अब बात आती है इसके अमाउंट की, अगर इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होने लगता है, यानी कि ये पानी की तरह बह रहा है और आपने पैंटीज भी चेंज कर ली आपने, और आपको यदि पैड लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि जो बच्चेदानी के आसपास की पानी की थैली है वो कहीं ना फट गई हो, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरा है कि अगर इस डिस्चार्ज में बदबू यानी कि फाउल स्मेलिंग अगर ये है, या फिर इचिंग या फिर खुजली हो रही है इसके साथ, तो आपको डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट करना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इस सब डिस्चार्ज में अब इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है, और ये शुरुआती दौर में है और आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको निग्लेक्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको बहुत ही बड़ी समस्या में डालने वाला है। तो अब तक हमने जान लिया कि अगर इस डिस्चार्ज का कलर चेंज होता है, इसका अमाउंट चेंज होता है, इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती है, या फिर अगर इसमें बदबू आने लगती है या इचिंग होने लगती है, तो हमें डॉक्टर से मिलना है। तो अब हम जानेंगे कि जब ये डिस्चार्ज, जो कि गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में होता है,
तो जो इससे वेटनेस या गीलापन होता है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, हमें तीन इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। तो पहला तो ये कि आप कॉटन पैंटीज़ का इस्तेमाल करें। कोई भी सिंथेटिक मटेरियल या फैब्रिक की पैंटीज़ को इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि जो कॉटन होता है ये काफ़ी एब्जॉर्बेबल मटेरियल होता है, तो आपको वेटनेस कम होगी। दूसरा ये कि कोशिश करें कि दिन में आप दो बार पैंटी चेंज करें। तीसरा ये कि जब भी आप वॉशरूम जाती हैं या टॉयलेट का यूज़ करती हैं, तो आप नीचे वाले एरिया को सॉफ्ट कॉटन क्लोथ से ड्राई कर लें, यानी कि उसमें जो गीलापन है उसको साफ़ कर लें, ताकि वो जगह मॉइस्ट ना रहे, उसमें गीलापन ना रहे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के चांसेस रहते हैं, आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और भी और तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो यदि अगर आप ये तीन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको वेटनेस काफ़ी कम महसूस होगी। तो अब हमने वेटनेस को कम करने के लिए भी जान लिया कि हमने क्या करना है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो वेटनेस है या गीलापन है, ये आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ज़्यादा महसूस हो सकता है, तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी चेंजेस मैंने बताए हैं, अगर आपको लगता है कि वो चेंजेस हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।